जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है दोस्तों। हाल ही में मैं तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करके वापिस लौटा हूँ। मैंने इस बार अलीपीरी मेट्टू मार्ग से सीढ़ियों के रास्ते पैदल चढ़ाई कर बालाजी भगवान के सफल दर्शन किए। इस वीडियो में तिरुपति बालाजी पैदल यात्रा किस प्रकार बिना कोई समस्या से पूर्ण कैसे करे, मैंने प्लानिंग कैसे करी, मेरा पैदल यात्रा का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं, ताकि आपके मन में जब भी बालाजी भगवान का दर्शन पैदल जाकर करने की लालसा उत्पन्न हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से पैदल यात्रा बिना कोई समस्या से पूर्ण कर पाएंगे। बालाजी भगवान का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। कोविड से पहले पैदल यात्रा करने वाले भक्तों को दिव्य दर्शन का टिकट फ्री मिलता था। दिव्य दर्शन की दर्शन लाइन भी अलग होती थी और कम समय में दर्शन कराए जाते थे, लेकिन कोविड के बाद दिव्य दर्शन बंद कर दिए गए हैं। अभी आपको 300 का स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट लेना होगा या फ्री लाइन में खड़ी रहकर दर्शन करना होगा। दोस्तों, मैंने 2 माह पहले ही तिरुपति बालाजी जाने की प्लानिंग कर ली थी। मुझे नवंबर में तिरुपति जाना था। सबसे पहले मैंने 300 का स्पेशल एंट्री दर्शन का टिकट ऑनलाइन प्राप्त कर लिया। 29 सितंबर को सुबह 9 बजे नवंबर माह के 300 के स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट बुकिंग ओपन हुई थी। सुबह 9 बजे से 5 मिनट पहले ही TTD वेबसाइट पर लॉग इन करके बैठ गया। 3-4 बार ट्राई करने के बाद मेरा टिकट बुक हुआ। मैंने नवंबर का शनिवार और रविवार का दिन छोड़ दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग छुट्टी के दिन ही दर्शन के लिए जाते हैं। शनिवार रविवार की तारीख के टिकट के लिए ज्यादातर लोग ट्राई करते हैं। शनिवार रविवार का टिकट मिलने में समस्या आएगी, ये मेरी सोच थी। इसलिए मैंने 28 नवंबर सोमवार का सुबह 11 बजे की स्लॉट का टिकट बुक कर लिया और तिरुपति जाने और आने का ट्रेन का रेनीगुंटा स्टेशन का कंफर्म टिकट भी मुझे मिल गया। ये सब टिकट बुकिंग मैंने 2 महीने पहले ही किया, इसलिए मुझे आसानी से दर्शन और ट्रेन का टिकट मिल गया। तीसरा कार्य बाकी था तिरुमला पहाड़ी पर TTD की रूम बुकिंग का। बदकिस्मती से जिस दिन नवंबर माह की रूम बुकिंग ओपन होने वाली थी उस डेट को मैं मिस कर गया। बाद में देखा तो सभी रूम बुक हो चुके थे। ऊपर तिरुमला पहाड़ी पर रुकने का मेरा प्लानिंग था, लेकिन मुझे नीचे तिरुपति में होटल में रूम बुक करनी पड़ी। मेरी प्लानिंग इस प्रकार रही, मेरे शहर से 26 नवंबर शनिवार को ट्रेन से प्रस्थान करना, 27 नवंबर रविवार को तिरुपति पहुंचना और तिरुपति में रात में रुकना, 28 नवंबर सोमवार पैदल चढ़ाई कर तिरुमला जाना और दर्शन करना, 28 नवंबर को ही रात 9 बजे की ट्रेन से मेरे शहर वापसी करना। सिर्फ तिरुपति की बात करूँ तो 2 दिन 1 रात मैं तिरुपति में रुकने वाला था। 27 नवंबर रविवार को मेरी ट्रेन सुबह 8 बजे रेनीगुंटा स्टेशन पर पहुंच गई। मैं स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर ही तिरुमला जाने के लिए बसें खड़ी थी, लेकिन मुझे पहले तिरुपति जाना था, क्योंकि मेरा होटल रूम तिरुपति में बुक था। उसने पर पता चला थोड़ा आगे जाकर तिरुपति जाने वाली बसें खड़ी रहती है। मुझे एक ऑटो वाला मिल गया जो शेयरिंग में तिरुपति जा रहा था। उसने किराया 50 लिया और हमें तिरुपति बस स्टैंड पर छोड़ दिया। मेरा होटल श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स के पास के फ्लाई ओवर के सामने वाली गली में था। होटल मैंने ऑनलाइन 700 में एक दिन के लिए बुक किया था। होटल मुझे कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैं होटल का नाम बताना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन दोस्तों, जब भी आप होटल बुक करें तो श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स के सामने या आसपास बुक करें, क्योंकि यहां से तिरुपति बस स्टैंड काफी नजदीक है। तिरुमला और अन्य स्थानों पर जाने के लिए आसानी होती है। 27 नवंबर का पूरा दिन मेरे पास था। मेरा दर्शन स्लॉट का टाइम कल का 28 नवंबर 11 बजे का था। मैं चला गया कलाहस्ती राहू केतु मंदिर। तिरुपति बस स्टैंड से मुझे बस मिल गई। बस का किराया 65 था। कलाहस्ती का मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। यह प्राचीन मंदिर भीतर बहुत ही भव्य देखने लायक है। यहाँ भी काफी भीड़ रहती है। मुझे दर्शन करने में 2.5 घंटे लगे। दर्शन के बाद मैंने मंदिर के पास ही एक होटल में साउथ इंडियन डिश का स्वाद लिया। डिश 120 की थी, जिसमें राइस और 2 सब्जी दाल थी, लेकिन चपाती नहीं थी।
तिरुपति वापिस आते आते शाम हो चुकी थी, होटल में जाकर सो गया। दूसरे दिन 28 नवंबर सोमवार को मुझे तिरुमला अलपिरी मार्ग से पैदल जाकर दर्शन करना था। होटल चेकआउट किया, मैंने बैग होटल में सुरक्षित रख दिया और एक छोटा थैला और लुंगी टाइप सफेद कलर की धोती साथ ले ली। 300 के स्पेशल एंट्री दर्शन वालों को धोती पहनना अनिवार्य है। तिरुपति बस स्टैंड पर मैं सुबह 6:30 बजे पहुंच गया। तिरुमला पहाड़ी पर जाने वाली बसें अलीपीरी मार्ग के पास से होकर ही जाती है। बस स्टैंड के काउंटर से अलीपीरी का 30 का टिकट मैंने लिया। करीब 7 बजे मैं अलीपीरी मार्ग के पास पहुंच गया। कुल 3,550 सीढ़ियां यहां बनी हुई है। अगर आप बैग साथ में लाए हैं तो यहां काउंटर पर जाकर बैग जमा कर सकते हैं। आपको एक रसीद मिलेगी। ऊपर तिरुमला में रसीद दिखाने पर आपको बैग वापस मिल जाता है। पूरी पैदल यात्रा के दौरान सभी लोग जूते चप्पल उतार कर नंगे पांव चढ़ाई करते हैं। यात्री बैग जमा करते वक्त जूते चप्पल बैग में रख देते हैं। मैंने बैग होटल में छोड़ दिया था, इसलिए साथ में लाए थैले में जूते रख दिए और थैला हाथ में लेकर चढ़ाई की शुरुआत कर दी। शुरू में ही कुछ महिलाएं साउथ इंडियन दांडिया खेलते नजर आई। कुछ देर रुकने के बाद आगे चढ़ाई की शुरुआत की। हर 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इस तरह का बोर्ड आपको दिखेगा, कितनी सीढ़ियां आप चढ़ चुके हैं और कितनी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है इसका पता चलता है। भगवान श्री विष्णु के अलग अलग अवतारों की प्रतिमा जगह जगह पर आपको दिखती रहेगी। बीच बीच में खाने पीने के स्टॉल नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पानी की बोतल कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए पानी की बोतल तिरुपति से ही साथ लेकर आए। पीने के पानी के नल और टॉयलेट जगह जगह पर मिलेंगे। कुल 2000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक बड़ा गोपुरम आता है। यहाँ हनुमान जी और श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ बहुत सारी होटल नजर आ रही है। अगर आपको कुछ चाय नाश्ता करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चपाती रोटी मिलेगी नहीं, इडली डोसा उत्तपा इसी तरह का खाना मिलेगा। यहाँ से आगे कुछ रास्ता इस तरह सीधा आसान मिलेगा। इस बंदे की मन की मुराद बालाजी भगवान ने पूरी की होगी। आगे फिर इस तरह सीढ़ियों की शुरुआत होगी। आगे कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर से सरल आसान रास्ता आएगा। पैदल रास्ते के दोनों साइड में जंगल नजर आता है। कुछ जगह पर हिरने भी नजर आए। लोग इनको खाने की चीजें भी दे रहे थे और फोटो भी खिंचवा रहे थे। इंसानों की खाने पीने की चीजें इन जंगली पशुओं की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है, ये बात इन लोगों को कौन समझाए। यह जंगल हिरनों के लिए संरक्षित किया गया है। हिरनों वाले स्थान से आगे 2600 सीढ़ियां चढ़ने के बाद कुछ दूरी चलने पर मैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के पास पहुंच गया। हनुमान जी की प्रतिमा के नीचे हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यह स्थान घाट रोड के पास बना है। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद आगे बढ़ा। हनुमान जी की प्रतिमा से आगे का रास्ता सरल है और छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई है। कुछ दूरी पर श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का मंदिर लगता है। मंदिर से आगे कुछ दूरी पैदल चलने पर नीचे तिरुपति जाने वाला घाट रोड दिखाई देता है। घाट रोड पर तिरुपति जाने वाले वाहन स्पीड से निरंतर चलते रहते हैं। संभल कर रास्ता क्रॉस कर फुटपाथ पर जाना पड़ता है। घाट रोड पर बने फुटपाथ पर से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और इस तरह आखिरी गोपुरम के पास पहुंच गया। यहाँ से फिर से सीढ़ियों की शुरुआत होती है। इन्हें दिव्य सीढ़ियां समझा जाता है। यहाँ कुछ लोग इस तरह घुटनों के बल चढ़ते नजर आते हैं। यहाँ की कम से कम 11 सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़ना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। यहाँ से आगे की खड़ी सीढ़ियां हैं। अभी सिर्फ 550 सीढ़ियां बची हैं। काफी थकाने वाली सीढ़ियां हैं। आखिर में मैं एंड पॉइंट पर पहुंच गया। यहाँ पर सीढ़ियां और चढ़ाई खत्म होती है। आगे का रास्ता आसान है। मैं तिरुमला पहुंच चुका हूँ। यहाँ से तिरुपति बालाजी मंदिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको बैग वापस मिलेगा जो आपने नीचे एंट्री पॉइंट पर जमा किया था। घड़ी में 11:30 बज चुके हैं। अलीपीरी से तिरुमला तक चढ़ाई करने में मुझे 5 घंटे लगे हैं। मंदिर तक पहुँचते पहुँचते 12 बज चुके थे। पहले मैंने वराह स्वामी के दर्शन किए और बाद में 300 के स्पेशल एंट्री दर्शन की लाइन में धोती पहनकर लग गया। तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने में
मुझे 5.5 घंटे का समय लगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप भी अगली बार जब तिरुपति जाएं तो एक बार पैदल चढ़ाई कर दर्शन करने के बारे में अवश्य सोचें। गो गोविंदा गो गोविंदा। दोस्तों यहाँ पर तिरुपति बालाजी पैदल यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।